नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने सलाह दी है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान कम कर दिया जाए। अगर ये सलाह मान ली गई तो जल्द ही आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। अंग्रेजी वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक श्रम मंत्रालय की ये सिफारिश मानी गई तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ में जाएगा, इसका फैसला उसके उम्र, लिंग और पे ग्रेड के हिसाब से होगा। हालांकि ईपीएफ में कंपनी की हिस्सेदारी पहले की तरह ही रहेगी। फिलहाल ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा जमा होता है, इसमें से 12% हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, बाकी का 12% हिस्सा कंपनी जमा करती है। जिस कर्मचारी की मंथली सैलरी 15,000 रुपये होती है उसका पीएफ कटना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह जिन कंपनियों के पास कम से कम 20 कर्मचारी हैं उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ का 12% हिस्सा जमा करना पड़ता है। कर्मचारियों की तरफ से कंट्रीब्यूशन घटाने की ये सिफारिश एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस बिल 2019 में की गई है। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।